बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम IAS 37 में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को इन डिटेल समझ चुके एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, लीगल ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट कब ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है, कब ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं होता, ऑब्लिगेशन जब क्रिएट होती है जब आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ना हो अदरवाइज टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई ऑल्टरनेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सारी एग्जांपल्स हम इन डिटेल वहां पर देख चुके हैं अगर आपको याद हो तो। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं इसको। और मजीद हमने कहा जनाब आउटफ्लो प्रोबेबल कब होगा, फिर उसके बाद लायबल एस्टीमेट के ऊपर हमने बात की, फिर वो एस्टीमेट जो है वो आपका बेस्ट एस्टीमेट कब कहलाएगा। ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर्स में कवर हो चुकी हैं, याद हैं आप लोगों को, यस और नो बताते हैं आप मुझे। ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुकी हैं, आप बताएं इतना सारी बातें आपको, अगर अगर आप भूल गए हो तो कंटिन्यूशन पर्पस के लिए आप एक दफा से दोबारा इसको देखना शुरू कर दें ताकि आप कंटिन्यूशन में आ जाएं और फिर आप इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईकैप का फेवरेट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं और पेपर में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा लॉ वाला मामला दिखता है। इस तरह स्टूडेंट लॉ के पेपर से भागते हैं, इस तरह स्टूडेंट इस स्टैंडर्ड से भी भागते हैं क्योंकि इसमें सिनेरियो सॉल्व करने होते हैं आपको लॉ की तरह, तो ये भी एक तरह से लॉ की तरह ही लगता है, फील वैसे ही होता है। तो मेजोरिटी स्टूडेंट जो है इसकी अच्छी तैयारी नहीं करती, जो हाल वो लॉ के साथ करती है वही हाल वो इस स्टैंडर्ड के साथ कर रहे होते हैं। बहरहाल मतलब आपको समझा दिया कि क्या सेंस है इसका, एग्जामिनर जो है वो सिनेरियोज डेवलप करेगा और उन सिनेरियोस को आपने क्या करना है, टैकल करना है इन द लाइट ऑफ IAS 10 एंड 37। बहरहाल अब मैंने आपको समझाया था एक चीज है रीस्ट्रक्चरिंग, क्या है बेटा रीस्ट्रक्चरिंग, यस और नो बताया था मैंने, कहा रीस्ट्रक्चरिंग पे हम बात करेंगे आपसे, रिस्पॉन्स करें। किसी भी इदारे को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है, किसी भी इदारे को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है, किसी भी बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है, कि उसमें आप बड़ी पैमाने पे क्या करने जा रहे हैं, तब्दीलियां करने जा रहे हैं। मतलब एक इदारे का पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से, देखो पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से, PIA इज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज ओन बाय गवर्नमेंट, स्टील मिल इज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज ओन बाय गवर्नमेंट, यस और नो। तो अगर गवर्नमेंट PIA और स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का फैसला करती है तो क्या इस फैसले से लोग मुतासर होंगे, और वो मुतासरीन कौन होंगे जरा आप मुझे बताइए। तो सबसे पहले मुतासरीन कौन होंगे, इन इदारों के एम्प्लॉयज, क्यों ये बताइए जरा आप मुझे। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो जो जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, यस और नो, उनकी जॉब्स चली जाएंगी, रिडंडेंसी कॉस्ट बिल्कुल, तो वो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको करंट किस्सा बताऊं कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, करीम जो है करीम, उसने अपना ऑफिस बहुत सारे शहरों से क्लोज कर दिया। अब वो छोटे शहरों के अंदर फ्रेंचाइज देंगे, लेकिन जब उन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला हैदराबाद से या दूसरे शहरों से, तो 3-3 महीने की सैलरी दे के छोड़ा है। यानी अगर मार्च में लोग फारिग हुए हैं तो उनको मार्च की सैलरी तो मिली है, लेकिन अप्रैल मई और जून की भी सैलरी मिली है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अचानक से किसी इदारे का बंद हो जाना, उसका शट डाउन कर जाना, जैसे नोकिया, नोकिया एक जमाने में जो था वो एशियन मार्केट में लीडर था, तो एशिया मतलब एशिया के अंदर तो मोबाइल फोन नोकिया के अलावा कोई और मोबाइल फोन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या नोकिया शट डाउन नहीं हुआ, नोकिया ने अपनी फैक्ट्रीज क्लोज नहीं की, क्लोज की है बिल्कुल। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस क्लोज करना, मतलब एक जगह आपकी फैक्ट्री लगी हुई है और वो फैक्ट्री आप वहां से अपना ऑपरेशन क्लोज कर देते हैं, अपना ऑपरेशन बंद कर देते हैं।
पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर जब पाबंदियां लगना शुरू हुई जरदारी दौर के अंदर, यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियां आयत की, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हो गए। तो बहुत सारे इदारे पाकिस्तान से अपने आप को उन्होंने शिफ्ट कर दिया बांग्लादेश, श्रीलंका। ये भी क्या था? रीस्ट्रक्चरिंग थे, समझ पा रहे हैं? डाउनसाइजिंग क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग। तो किसी इदारे का या किसी फैक्ट्री का बंद हो जाना, आपका बिजनेस है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस, लेकिन अब एक ब्रांच आप क्लोज करने जा रहे हैं। एक बैंक है उसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, अब आप एक ब्रांच क्लोज करने जा रहे हैं। तो कोई ब्रांच क्लोज करने जा रहे हैं, कोई डिवीजन क्लोज करने जा रहे हैं, किसी एरिया से ऑपरेशंस क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक टाइम था इधर हैदराबाद के अंदर एक ब्रेड आती थी, क्या कहते हैं, वीटा ब्रेड। वो बच्चे उसके पीछे क्या कहते थे, मतलब वो ब्रेड खरीदते थे बच्चे खास तौर पे अपने वालदैन को बोलकर कि उसमें से कूपन निकलता था और उसमें तो बच्चों की शायद साइकिल निकला, तो साइकिल की वजह से वो ब्रेड बड़ी मशहूर हुई थी इधर हैदराबाद। शायद आपको तो याद ना हो, लेकिन आपसे पहले ऐसा हुआ था। लेकिन वो वीटा ब्रेड ने क्या कर दिया, अपने ऑपरेशन सिंध में से क्लोज कर दिया। वीटा ब्रेड आज भी पंजाब की तरफ क्या अवेलेबल है, सिंध में नहीं चल पाई। तो ऑपरेशंस क्लोज कर देना, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन से अपना बिजनेस बंद कर देना, ये सब कुछ इसमें फॉल करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? रिस्पॉन्स दे दें बेटा, ठीक है। तो अब जब आप ये तमाम डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन लेने की बिना पर आप पर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि आप क्या करें, अपने एम्प्लॉयज को या जो भी अफेक्टीज है उनको कंपनसेट करें। तो सवाल क्या है, वो कंपनसेट करने की ऑब्लिगेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है। वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब कब क्रिएट होगी? जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, जब आप लोगों को बता देंगे हम क्या करने जा रहे हैं, अपना बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं, ब्रांच बंद करने जा रहे हैं, फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी तफसीलात अभी आपके सामने आ रही है, और वो तफसीलात कहाँ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। ये आपके सामने जो मैं टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स दैट मे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। क्या लिखा हुआ है, सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ बिजनेस। आपने अपना बिजनेस या तो किसी को बेच दिया है या फिर आपने वो बिजनेस करना छोड़ दिया है। एग्जाम्पल आपके सामने आ गई, द क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशंस इन अ कंट्री और रीजन और लोकेशन और द रीलोकेशन। मतलब एक जगह से आपने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, एक कंट्री से आप अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए हैं, वहां पे जितने भी ऑफिसेस थे वो बंद कर दिए हैं, जैसे करीम वाला एग्जाम्पल हो गया। या फिर आपने अपने बिजनेस को एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन में रीलोकेट कर दिया। जैसे हमने पाकिस्तान की टेक्सटाइल कंपनीज की एग्जांपल्स दी आपको कि बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनी हालात खराब होने पर पाकिस्तान से कहाँ चली गई, बांग्लादेश। अभी हमने सुना है बाटा भी पाकिस्तान से कहाँ चली गई, बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, पाकिस्तान से शिफ्ट हो गई। सुनने में आई थी ये बात जब ये इमरान खान का दौर शुरू हुआ था, अगर आपको ये बातें पता हो। रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम वन कंट्री रीजन और टू अनदर, ठीक है जी, ये सारी बातें आपके सामने है। उसके बाद चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेटिंग अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट, वही टॉल ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बना देना। मतलब जहां पर मैनेजमेंट की लेयर्स बहुत ज्यादा हो, जहां पर
स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो, सारी बातें आप जानते हैं वैसे माशाल्लाह। स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी आप जानते होंगे, टॉल ऑर्गेनाइजेशन को भी आप जानते होंगे, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को भी आप जानते होंगे, मैनेजमेंट लेयर्स को भी आप जानते होंगे। तो जब आप मैनेजमेंट लेयर्स कम करते हैं, जब आप टॉल ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो मतलब क्या हुआ, आप डाउन साइजिंग करते हैं, आप राइट साइजिंग करते हैं, आप एम्प्लॉयज को बड़े पैमाने पर फारिग कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय जरूरत से ज्यादा हैं उनको आप निकाल रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? तो ये भी रिस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ फोकस ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन, यानी आप अपना फंडा मतलब अपने बिजनेस के अंदर फंडामेंटल नेचर का चेंज ला रहे हैं। मतलब क्या मतलब है ना, आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं, मतलब यानी कि आप ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग बनने जा रहे हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग से वापस ट्रेडिंग पे आना चाह रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस का स्कोप क्या हो गया, चेंज हो गया थोड़ा सा, तो फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हो गई, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई, सो ऑन। उसमें बहुत सारे ऊपर वाले पॉइंट्स भी आपके सामने आ जाएंगे, तो ये तमाम बातें आपके सामने, ये सब कुछ क्या कहलाता है, रीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। और ये है बेटा रीस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन, जवाब दीजिए बेटा आप सब लोग, क्या आपको ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब उसके बाद, अब ये क्या पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, हमारे सामने पॉइंट जो आ रहा है वो क्या है, जो हमने समझना है वो ये पॉइंट है। क्या कहता है जनाब? कि ये दो पॉइंट हैं और ये डेफिनेशन पेपर में लिखनी होती है, मतलब जब सॉल्यूशन लिखा जाता है ना, आप जब आईकैप के आंसर देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्या कहता है, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेस ओनली व्हेन एन एंटिटी, नंबर वन, यानी किसी भी इदारे के लिए रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जब अकर होगी, जब पॉइंट ए भी पूरा होगा और पॉइंट बी भी पूरा होगा, तो नंबर वन हैज डिटेल्ड फॉर्मल प्लान ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग आइडेंटिफाइंग एटलीस्ट, मतलब अगर डायरेक्टर्स चार दीवारी में बैठकर रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला कर लेते हैं, तो वो फैसला करने से कोई रीस्ट्रक्चरिंग आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होने के लिए डिसीजन जो है पब्लिक को कन्वे होना जरूरी है, उसमें आपका सीरियस होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये आइडेंटिफाई करना, क्या आइडेंटिफाई करना, कम से कम ये पांच बातें आइडेंटिफाई करना, द बिजनेस और पार्ट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न, क्या हम पूरा बिजनेस बंद करने जा रहे हैं या बिजनेस का वो हिस्सा बंद करने जा रहे हैं, हमारा बिजनेस का पार्ट एक्टिविटी मुतासर हो रहा है या पूरा बिजनेस मुतासर हो रहा है, सो ऑन, जिस तरह भी आप उसको सोचें। द प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड, ठीक है जी, कौन सा एरिया जो है मुतासर होगा, द लोकेशन फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग देयर सर्विसेज, यानी कि हम कौन कौन सी लोकेशन से अपना बिजनेस क्लोज करेंगे, अब हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, और ऐसा यानी लोकेशन से ब्रांचेस बंद करने की वजह से, किसी लोकेशन से अपना ऑपरेशन क्लोज करने की वजह से, या अब कोई फंक्शन परफॉर्म ना करने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग देयर सर्विस। अब आप देखें ना, मोबिलिंक ने वारिद को टेक ओवर किया, किया कि नहीं किया बताइए, मोबिलिंक आज वारिद का शेयर होल्डर है, ये एग्जाम्पल मैं आगे भी कवर करूंगा, क्या कहते हैं जनाब, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कंसोलिडेशन। लेकिन मोबिलिंक लीगली एक अलग एंटिटी है, वारिद लीगली एक अलग एंटिटी है, लेकिन हुआ क्या, कानूनी तौर पे ये दोनों मुख्तलिफ इदारे हैं, ये एक इदारे नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोबिलिंक ने वारिद को टेक ओवर किया है, मतलब वारिद के शेयर्स परचेज कर लिए, कंट्रोल हासिल कर लिया, यानी वारिद को लिक्विडेट नहीं किया कि उसके एसेट सारे उसके पास आ जाए, मतलब यानी कि वारिद जो है वो आज भी बतौर लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, होल्डिंग कंपनी है मोबिलिंक, बिल्कुल सही कहा आपने, पेरेंट कंपनी,
लेकिन ये सब कुछ होने के बाद हम एक चीज और देख रहे हैं, बताए वो क्या देख रहे हैं, हमें आज भारत का कहीं भी ऑफिस दिखाई नहीं दे रहा। और मोबलिंग के ऑफिस से ही क्या हो रहा है, उस वारिस की सारी एक्टिविटीज जो है वो चलाई जा रही है, यहां तक कि जो मोबलिंग का कार्ड है अब वही वारिस का कार्ड है, या जो सर्विसेज मोबलिंग पे अवेलेबल है अब वही सर्विसेज वारिस पे अवेलेबल है। आप जवाब दे दे मुझे, जो फ्रेंचाइज मोबिलिंग के लिए काम करती थी अब वही फ्रेंचाइज जो है वो क्या कर रही है, वारिद के लिए काम कर रही है। मतलब ये नहीं कि अब वारिद की अलहदा से कोई फ्रेंचाइज होने की जरूरत नहीं है। जो टावर कल तक मोबिलिंग के सिग्नल देता था अब वो वारिद वालों को भी सिग्नल दे रहा है, मतलब दोनों के सिग्नल एक हो गए, दोनों रिसोर्सेस एक तरह से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मोबिलिंग ने वारिद को टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर करने के बाद जो इजाफी रिसोर्सेस थे वो क्या हो गए, बेकार हो गए, तो बहुत सारी फ्रेंचाइजेस क्या हुई, क्लोज हो गई, बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए जो भारत में काम करते थे। क्या ख्याल है, जवाब दीजिए। तो ये तमाम बातें इस तरह की सिचुएशन में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद द एक्सपेंडिचर दैट विल बी अंडरटेकन, यानी कि ये जो आपका रिस्ट्रक्चरिंग है इसको इम्प्लीमेंट करने में कितना खर्चा होगा, मतलब सब कुछ क्लोज करवाना है, एसेट सेल करने हैं, रिसोर्सेज डिस्पोज ऑफ करने हैं, सारे काम करने हैं ना, तो ये काम करने के लिए एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ेगा ना भाई, एम्प्लॉयज को कंपनसेट करना, ये भी इसमें शामिल है। और नंबर 5 पॉइंट, व्हाट व्हेन द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड, सवाल क्या है, प्लान कब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जरा बड़ी सिंपल सी बात, वो कहता है जनाब के सबसे पहले ये बताएं कि ये 5 बातें कम से कम आपको दिखाई दे रही हैं, क्या आपके पास कोई डिटेल और फॉर्मल प्लान है जो आइडेंटिफाई करे कि बिजनेस और पार्ट ऑफ द बिजनेस का कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, या प्रिंसिपल लोकेशन कौन सी अफेक्ट होगी, या कौन सा फंक्शन कौन सी लोकेशन, या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंपनसेट करना पड़ेगा, या कितना एक्सपेंडिचर होगा, या ये प्लांट यानी कि प्लांट ये सॉरी ये प्लान जो है वो कब इम्प्लीमेंट होगा। कम से कम ये 5 बातें आपके उस डिटेल फॉर्मल प्लान में होनी चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018, तो अगर आप अपने प्लान को ईयर एंड पर या उससे पहले ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने बाय कंडक्ट अपने ऊपर क्या कर दी, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी कि आपने जैसे फैक्ट्री में लगी हुई प्लांट एंड मशीनरी को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया, उनको डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया, ये सब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लांट है, प्लान है, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है, अमलन आपने जो प्लान था उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही अमलन आपने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया तो आप पर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या हो गई, क्रिएट हो गए। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग डेट पर आप कम से कम ये 5 बातें आइडेंटिफाई कर देते हैं जो लिखी भी आ रही हैं, लेकिन आप प्लान पर अमलन यानी कोई काम शुरू नहीं करते, अभी आपने प्लान अनइंस्टॉल नहीं किया, अभी आपने एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं किया, लेकिन आप कम से कम रिपोर्टिंग डेट तक एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता देते हैं जनाब कि क्या कुछ होने जा रहा है, कितने एम्प्लॉयज कंपनसेट होने जा रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज को जॉब छोड़नी पड़ेगी, कितने एम्प्लॉयज को हम रिटेन करेंगे और उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये 5 पॉइंट्स और कम से कम पब्लिक अनाउंसमेंट आपके ऊपर रीस्ट्रक्चरिंग की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी। यस और नो, आपको यहां तक मेरी बात समझ में आती है, बताइए। तो बी पॉइंट क्या है, एंड हैज रेज्ड वैलिड एक्सपेक्टेशन इन दोज अफेक्टेड दैट इट विल कैरी आउट द रिस्ट्रक्चरिंग बाय स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान, या तो रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले पहले इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और अनाउंसिंग इट्स मेन फीचर्स टू दोज अफेक्टेड बाय इट, या जो 5 बातें हैं वो 5 बातें असल में वो मेन फीचर्स है ना, ये मेन फीचर्स पब्लिक को अनाउंस हो जाए, कम अज कम अनाउंसमेंट जरूरी है रिपोर्टिंग डेट तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रिपोर्टिंग डेट, अगर ये सारे 5 पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं लेकिन आपने रिपोर्टिंग डेट पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, ना ही प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, तो इसका मतलब क्या है,
रिपोर्टिंग डेट पर आपके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ की है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा। IS-10 में भी ब्रांच बंद करने की बात की गई थी कैनरी आइलैंड्स के अंदर, जो क्वेश्चन मैंने कहा था, मैंने कहा था वो क्वेश्चन हम IS-37 में लाकर डिस्कस करेंगे दोबारा से। आपने एक बोस्टवाना के अंदर ब्रांच बंद कर दी थी, अगर आपको याद हो तो ब्रांच बंद कर दी थी, तो उस ब्रांच के बंद होने की वजह से पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में क्या आपके आपके ऊपर रिपोर्टिंग डेट पर कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है? हमने कहा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जब भी एग्जिस्ट कर सकती है जब रिपोर्टिंग डेट पर ये 5 पॉइंट्स हो प्लस कम अज कम क्या हो पब्लिक अनाउंसमेंट हो या फिर प्लान ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया आपने, तो फिर आप रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन क्या बनाएंगे, मतलब ये प्लान सॉरी ये जो प्लान इम्प्लीमेंट हम करेंगे इसके इम्प्लीमेंट करने की वजह से जिन लोगों को हमें कंपनसेट करना पड़ेगा उनकी कंपनसेशन हम पे क्या बन जाएगी, बड़ा लायबिलिटी बन जाएगी, तो उसकी एंट्री आप क्या बनाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट, दैट्स ऑल। तो बेटा कोई बात अगर जो इसमें समझ ना आ रही है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप यहाँ पर जवाब दीजिए, बोलिए। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए, आपके आप सबके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूँ। चले जी, तो इस बात का देखिए आप पैराग्राफ खुद डिस्कस कर रहा है चीजों को, इस बात का सबूत कैसे मिलेगा कि एंटिटी ने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो जरा पैराग्राफ नंबर 70 देखें। एविडेंस दैट एन एंटिटी हैज स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वुड बी प्रोवाइडेड फॉर एग्जाम्पल बाय डिसमेंटलिंग प्लांट, वही प्लांट को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया, सेलिंग एसेट्स, एसेट को डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया, और बाय द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इट्स मेन फीचर्स ऑफ द प्लान, या फिर अगर आपने रीस्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कम अज कम जो 5 वो फीचर्स हैं कम अज कम उसकी आप क्या करते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट कर दें, अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ अ डिटेल्ड प्लान टू रीस्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर ओनली if it is made in such a way that such a way and in sufficient detail that is setting out the main features of the plan that it gives rise to valid expectation in other parties such as customers suppliers employees or their representative jo labor union hoti hai employees ki union hoti hai na union तो या तो एम्प्लॉयज से आप निगोशिएट कर रहे होंगे या उनकी यूनियन से, दैट द एंटिटी विल कैरी आउट द रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद फॉर अ प्लान टू बी सफिशिएंट टू गिव राइज टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन व्हेन कम्युनिकेटेड टू दोज अफेक्टेड बाय इट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी प्लान टू बिगिन सून एज possible and to be completed in time frame, यानी कि अगर आपने public announcement कर दी है तो फिर उसकी implementation है वो ज़्यादा दूर ना हो, कम से कम post reporting period में, अगर आपने reporting date पर announcement कर दी है तो आप post reporting period में उसको implement करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप post reporting period उसको implement नहीं कर रहे हो तो समझ लें इसकी implementation क्या होगी, दूर हो जाएगी, तो implementation का दूर हो जाना फिर क्या करेगा उसको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनने नहीं देगा, इस बात को समझने की जरूरत है, ये बात यहाँ डिस्कस हो रही है इसमें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है फिर यहां से पढ़ रहा हूं, इट्स इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी प्लान्ड टू बिगिन एज सून एज पॉसिबल टू बी कंप्लीटेड इन अ टाइम फ्रेम दैट मेक्स सिग्निफिकेंट चेंजेस टू प्लान अनलाइकली, तो ऐसा ना हो कि प्लान तो आपने कर लिया हो कि बाद में अनाउंसमेंट करने का उसमें क्या आ जाए तब्दीलियां आ जाए बहुत ज्यादा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अ लॉन्ग डिले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पब्लिक अनाउंसमेंट में और
इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, अगर बहुत तवील फासला है, लॉन्ग डिले है बिफोर द रिस्ट्रक्चरिंग बिगन्स और दैट द रिस्ट्रक्चरिंग विल टेक एन अनरीजनेबली लॉन्ग टाइम, इट इज अनलाइकली दैट द प्लान विल रेज अ वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ द अदर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर पब्लिक अनाउंसमेंट में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा फासला है तो फिर ऐसी पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग के केस में कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें सीरियस नहीं दिख रहे, आप जो है वो कंफर्म बात नहीं कर रहे, आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे हैं। आपने इस तरह बोला अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी। अगर आप इस तरह की बात करेंगे भाई हालात ऐसे रहे तो उसका मतलब क्या है, फिल वक्त तो आपका फैक्ट्री बंद करने का कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा। आप जिस तरह तोड़ मड़ो के बाद बयान कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग के जो मेन फीचर्स हैं प्लान के, डिटेल प्लान मौजूद ही नहीं है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ आपका प्लान या तो वक्त के साथ साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब आपकी जो अभी अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं होती कि आप क्या करें उस फैक्ट्री को जिस या उस बिजनेस को या उस लाइन ऑफ बिजनेस को टर्मिनेट करें या सेल करें वगैरह वगैरह, ये सारी बात है। पैराग्राफ नंबर 75 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फिर इसको देख लें भाई यहां से पढ़ो। इट इज अनलाइकली दैट द प्लान विल रेज वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स दैट द एंटिटी इज एट प्रेजेंट कमिटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग बिकॉज द टाइम फ्रेम अलाउज अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटिटी टू चेंज इट्स प्लान। ठीक है जी, इसका मतलब कि जितना तवील अरसा होगा इम्प्लीमेंटेशन में और अनाउंसमेंट में तो वो तवील अरसा आपके दिमाग को तब्दील कर सकता है, आपके माइंड सेट को चेंज कर सकता है, और माइंड सेट चेंज होने की बिना पर आप हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट ना भी करें, हालात क्या हो जाए तब्दील हो जाए वगैरह वगैरह। उसके बाद वही बात कि मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चार दीवारी में लिया हुआ फैसला जो है वो कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, ये बात यहां भी रिपीट हुई हुई है। अ मैनेजमेंट और बोर्ड्स डिसीजन टू रीस्ट्रक्चर टेकन बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड डज नॉट गिव राइज टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अनलेस द एंटिटी हैज बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड started to implement the restructuring plan or announce the main feature of restructuring plan to those affected by it in a sufficient specific manner to raise valid expectation in them that the entity will carry out the restructuring। मतलब अगर कोई इस तरह बोले कि भाई reporting date पर director ने फैसला कर लिया था लेकिन announcement post reporting period में हुई है तो क्या ये adjusting event है, जवाब बोलेंगे no, क्योंकि जब अनाउंसमेंट पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में हुई है तो फिर इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो लिहाजा रिपोर्टिंग डेट पे ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा। तो डायरेक्टर्स का फैसला लेना कि वो ब्रांच को क्लोज कर देंगे ये हमारे लिए एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। तो अब जरा उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा जिसमें हमने ये वाला पार्ट छोड़ा था। इफ एन एंटिटी स्टार्ट्स टू इंप्लीमेंट अ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान और अनाउंसेस इट्स मेन फीचर्स टू दोस अफेक्टेड बाय अफेक्टेड only after the reporting period disclosure is required under IS 10 event after the reporting period if the restructuring is material and non disclosure could influence the economic decision that the user make on the basis of financial statements। yani agar public announcement post reporting period mein ho rahi hai financial statement authorized for issue hone se pehle ya implementation kahan ho rahi hai post reporting period mein hui hai ठीक है और रिपोर्टिंग पे कोई पब्लिक अनाउंसमेंट मौजूद नहीं थी तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं अगर वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या हो, मटेरियल हो, यानी उसका डिस्क्लोज ना करना जो है वो स्टेक होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजन को मुतासर कर सकता हो। तो ये तमाम बातें आपके सामने यहाँ तक आ चुकी हैं। ठीक है जी, ये सारी बात हमने यहां तक कवर कर ली।
अब ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में क्या कुछ शामिल होगा, उसके लिए पैराग्राफ नंबर 80 है। अ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रिस्ट्रक्चरिंग विच आर दोज दैट आर बोथ नेसेसरली इंटेल्ड बाय द रिस्ट्रक्चरिंग। हर वो एक्सपेंडिचर जो हमें रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से इनकर करना पड़ रहा हो, एक तो वो, नंबर टू, नॉट एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग एक्टिविटीज। मतलब देखें, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आपको एम्प्लॉयज को कंपनसेट करना पड़ रहा है, तो जो एम्प्लॉयज कंपनसेट हो जाएंगे जाहिर सी बात है वो मुस्तकबिल में आपकी एंटिटी का पार्ट नहीं होंगे, ऐसा ही है ना जवाब दें। लेकिन फर्ज करें कि जिन एम्प्लॉयज को आप रिटेन करेंगे, आप उनको एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में मुंतकिल कर देंगे, जिनको आप एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में मुंतकिल कर देंगे उनकी आप करवाएंगे ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो एक तरह से ऑनगोइंग एक्टिविटी है। मतलब ट्रेनिंग हमें रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से करवानी तो पड़ रही है, तो पॉइंट नंबर वन पे तो ट्रेनिंग उधर जाती है पूरी, लेकिन ट्रेनिंग इसलिए भी तो करवानी पड़ रही है कि वो लोग जो है वो हमारी उस फैक्ट्री में काम कर सकें, तो फिर वो ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो हमारा एक्सपेंस बनेगा, उसको हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जब तक वो ट्रेनिंग हो नहीं जाएगी तब तक हम रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह क्या है, हमारी मर्जी है कि हम इनको भी निकाल दें, हम इनके बदले ट्रेन एम्प्लॉयज रख लें, तो ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर हम पर ऑब्लिगेशन नहीं होगा जब तक कि ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर इनकर ना हो जाए, और ट्रेनिंग कॉस्ट जो होगी वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि हम इस ट्रेनिंग कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। यस और नो, अभी सारी बातें आपस में क्या हो गई, लिंक हो गई, आप भी इनको लिंक कर दें बराए मेहरबानी। अ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट, क्या आ गया बेटा, रीट्रेनिंग और रिलोकेटिंग कंटेनिंग स्टाफ, मार्केटिंग जो आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, नए नेटवर्क सिस्टम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, नए एग्रीमेंट्स करेंगे, नए एजेंट्स को अपॉइंट करेंगे, मतलब जिनके जरिए आप क्या करेंगे ये अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाएंगे, सो या अपनी प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाएंगे। तो दीज एक्सपेंडिचर रिलेट टू द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड आर नॉट लाइबिलिटीज फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सच एक्सपेंडिचर आर रिकग्नाइज ऑन द सेम बेसिस इफ दे अरोज इंडिपेंडेंटली ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब इन एक्सपेंडिचर को इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग समझा रहा है, मतलब ये नहीं कि बाजायर तो लग ये रहा है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटीज है, मतलब अगर रिस्ट्रक्चरिंग ना हो तो तब भी हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये काम करते, ठीक है। तो ये तमाम बातें देखें, डिटेल स्टैंडर्ड है जिस तरह हम इसको कवर कर रहे हैं एक एक पॉइंट, तो इस तरह फिर आपके लिए इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप पूछें मुझे। ठीक है, जब मैं इसको स्टॉप करूंगा यहाँ तक, आज तक इतना ही, बाकी इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन में हो सकता है आपको भेज दूँ इंशाल्लाह, तो आप जरा क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और मैं कहता हूँ कि जरा एक दफा क्या कर लो फिर से, ये जो पिछले लेक्चर्स है ना वो रिवाइज कर लो, ठीक है, सही है बेटा जी, बिल्कुल, ओके, अल्लाह हाफिज़।